हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट कीवर्ड्स डेफिनेशंस ऑफ चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स क्लास 7 सीबीएसई और एनसीईआरटी साइंस। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स की डेफिनेशन यानी इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनके डेफिनेशन को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस फूड इज़ ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन। कि एक ऐसी प्रोसेस है स्टूडेंट रेस्पिरेशन की जिसमें हमारा फूड, हम जो फूड लेते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रोकन डाउन यानी कि डाइजेस्ट होता है, एनर्जी में चेंज होता है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन दिस प्रोसेस फूड इज़ ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। जब हमारी बॉडी में फूड बिना ऑक्सीजन की हेल्प के एनर्जी में चेंज होता है, ब्रोकन डाउन होता है, तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ब्रीथिंग रेट। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ्स इन ए मिनट। यानी कि स्टूडेंट्स, 1 मिनट में कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जब ब्रीथिंग करता है और उसे वो काउंट कर ले नंबर ऑफ टाइम्स कि कितने टाइम्स उसने 1 मिनट में ब्रीथिंग की। सो 1 मिनट की ब्रीथिंग टाइम्स को इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट कहा जाता है। नंबर 4, सेलुलर रेस्पिरेशन। इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट, सेल से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर बनी है, तो उन सेल्स में जो भी रेस्पिरेशन होता है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। नंबर 5, डायफ्राम। डायफ्राम ए मस्कुलर शीट, जैसे पेपर सीट होती है स्टूडेंट, ऐसी मसल्स से बनी हुई जो सीट है, मस्कुलर सीट एट द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। कि हमारी चेस्ट कैविटी के नीचे इज कॉल्ड डायफ्राम, उसे डायफ्राम कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सहेलेशन। एक्स का मतलब आउट, यानी ब्रेथिंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है और जो एयर हम ब्रेथिंग आउट कर रहे हैं इज नोन एज एक्सहेलेशन, इसे ही एक्सहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। नंबर 7, गिल्स। गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिशिज। कि फिशिज की बॉडी में, थ्रोट में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिसकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करती है, उस स्ट्रक्चर को गिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस एंड सम अदर एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, कैट एक्सेट्रा। इस टाइप के एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनकी हेल्प से रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है स्टूडेंट, उन्हें लंग्स कहा जाता है। नंबर 9, इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी इन का मतलब टेक इन। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इज नोन एज इनहेलेशन। कि जो एयर हम टेक इन अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं नोस्टिल द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, ऐसी प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है। स्पिकल से स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन द साइड ऑफ कॉकरोच बॉडी। कॉकरोच की जो बॉडी है स्टूडेंट, उसके दोनों साइड स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे छोटे पोर्स, छिद्र होते हैं, आर कॉल्ड स्प्रिकल्स, उन्हें स्प्रिकल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रेचीज। द इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। जो स्मॉल इंसेक्ट्स स्टूडेंट, जैसे कॉकरोच है और उस टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी बॉडी में जो एयर ट्यूब्स का नेटवर्क है, यानी ऐसी ट्यूब से, ऐसी पाइपलाइन स्ट्रक्चर जिसमें से एयर पास होती है, जैसे हमारी बॉडी में विंड पाइप है, ऐसे उनकी बॉडी में एयर ट्यूब्स का नेटवर्क होता है फॉर गैस एक्सचेंज, जिसके हेल्प से वो गैसेज का एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज करते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को स्टेंट इज कॉल्ड ट्रेचे, ट्रेचे कहा जाता है। नंबर 12 रिब्स, द बोन से दैट गो राउंड द चेस्ट कैविटी, कि हमारी चेस्ट कैविटी के दोनों साइड स्टेंट जो बोन से होती हैं गो राउंड, चारों तरफ ये इस तरह से गो राउंड चेस्ट कैविटी के चारों साइड होती हैं और एक रिब्स बनाती हैं, यानी केज जो पिंजरा बनाती हैं आर कॉल्ड रिब्स कहलाती हैं। इन्हीं रिब्स केज के अंदर हमारे लंग्स, हमारी चेस्ट कैविटी जो मस्कुलर शीट है यानी कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम रिब्स के अंदर प्रोटेक्ट रहता है। सो स्टूडेंट्स, आज आपको इन कीवर्ड्स की डेफिनेशन को अच्छे से लर्न करना है, अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।